बिहार के बेगूसराय में आज दो सनकी युवकों ने बाइक पर सवार होकर अलग अलग जगहों पर 11 लोगों को गोली मार दी। एक शख्स की जिसमें मौत भी हो गई। वो बाइक पर सवार होकर आगे बढ़ते गए और गोलियां बरसाते गए। सरेआम आतंक मचाने वाले दोनों शूटर्स का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि बेखौफ बदमाशों को कोई खौफ नहीं है, वो राह चलते लोगों की जान से खेल खेलते रहे। वहीं गोलियों की आवाज सुनकर लोगों में भगदड़ मच गई। जैसे ही ये खबर बेगूसराय जिले में फैली, चारों तरफ अफरा तफरी और चीख पुकार मच गई। सामूहिक गोलीबारी की घटना पर केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय सांसद गिरिराज सिंह ने कहा कि बिहार में ना सरकार है और ना अपराधियों में कानून का डर है। अपराधियों ने निडर होकर कई लोगों पर गोलियां चलाई और चार थाना क्षेत्रों में 30 किलोमीटर घूमते रहे, लेकिन पुलिस पकड़ नहीं पाई। इस पर सीएम नीतीश कुमार को जवाब देना चाहिए। ये घटना बेगूसराय की घटना बिहार के लिए एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। दुख तब होता है जब प्रधान मुख्यमंत्री जी बिहार में जब भी ये महागठबंधन की सरकार बनी है, तब से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति इतनी बिगड़ गई है कि आम लोगों का कहना है रोपे बबूल तो आम कहां से हुए। जब मुख्यमंत्री जी जंगल राज पहले खुद कहते थे, लेकिन अब जंगल राज को जनता राज कहते हैं। अभी मुश्किल से कुछ घंटे पहले, दो तीन दिन पहले उनके नाक के नीचे पटना में पिरबहौर थाने में जिस ढंग से, अब मैं शब्द को क्या प्रयोग करूं, उनके पुलिस अधिकारियों को थाने में घुस करके व्यवहार किया, मारा पीटा, अपराधियों को छोड़ाया। मुख्यमंत्री जी कहते हैं ये जंगल राज नहीं, जनता दरबार है। अगर परिभाषा बदल दिए हैं, क्या उनको डर लग रहा है कि जंगल राज को स्वीकारें? समीक्षा आपने की, क्राइम पर आपने अधिकारियों के साथ समीक्षा की, लेकिन ढाक के तीन पात हो गए। मुख्यमंत्री जी, कुछ ही घंटों के बाद ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना, ऐसी घटना बिहार में मेरे याद में तो नहीं हुई है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि अपराधियों ने निडर होकर कई लोगों पर गोलियां बरसा दी, लेकिन अब तक दोनों बदमाशों को पुलिस पकड़ तक नहीं पाई है। बेगूसराय में बेखौफ अपराधियों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई, जिससे पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। बदमाशों ने 6 अलग अलग जगहों पर ताबड़तोड़ फायरिंग की और फरार हो गए। बदमाशों के इस खूनी खेल में दर्जनों लोग बुरी तरह घायल हुए हैं और एक की मौत हो गई है। हमलावरों को पकड़ने के लिए पूरे जिले में नाकेबंदी कर दी गई है। दोनों साइको किलर करीब 47 मिनट तक सड़क पर खूनी खेल खेलते रहे। दोनों साइको शूटर्स का वीडियो भी सामने आ गया है। पुलिस इनकी गिरफ्तारी के लिए जगह जगह छापेमारी कर रही है। अपराधियों ने बिहार पुलिस और नीतीश सरकार दोनों को ही खुली चुनौती दे दी है। करीब एक घंटे तक जिले के एक कोने से दूसरे कोने तक NH पर 30 किलोमीटर से ज्यादा अंधाधुंध फायरिंग करते रहे और अब तक दोनों पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं, जिससे कि नीतीश सरकार सवालों के घेरे में खड़ी है। ये घटना मंगलवार 4 से 5 बजे के बीच बेगूसराय जिले में घटी। बदमाशों ने चलती बाइक से फायरिंग की। इस फायरिंग में 11 लोग साइको किलर की गोलियों का शिकार बने, जो गंभीर रूप से घायल हैं। वहीं एक ने तो दम तोड़ दिया। अब इस गोलीकांड के बाद नीतीश सरकार भी निशाने पर आ गए हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही।